बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अफसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन एंड किचन। आज मैं लाया हूँ आपके लिए अरवी गोश्त की रेसिपी। अरवी गोश्त के लिए एक पतीले में एक कप तेल डालकर गर्म करें। और इसमें 3 अदद बारीक कटी हुई प्याज डालकर ब्राउन कर लें और निकाल लें। अब इसमें अदरक लहसुन के 2 टेबल स्पून डालकर थोड़ा सा भून लें। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून नमक। इन तमाम मसालों को हल्का सा भून लें। अब इसमें 1 पाव दही और ब्राउन की हुई प्याज का मिक्सचर, जो हमने पहले से ही दही में ब्राउन की हुई प्याज को मिक्स कर लिया था, शामिल करें और 10 मिनट तक पकाएं, जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। इसके बाद 1/2 किलो चिकन शामिल करें और मसाले के साथ भून लें। अब 1/2 किलो अरवी शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल करें और उबाल आने पर 15 मिनट के लिए मज़ीद पकने दें। अब इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करें, 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करके मिक्स कर लें। तीन अदद हरी मिर्ची 2 पीस करके डालें। हरा धनिया 2 टेबल स्पून डालें और 2 मिनट के लिए पकने दें। दो मिनट बाद डिश आउट करें और हरी मिर्चों और हरे धनिया के साथ गार्निश करें।
अरवी गोश्त तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।